हेलो बच्चों, आज हम प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीव के भाग दो पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम वनों के प्रकार पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। उसके अलावा हम घास स्थल और कटीली झाड़ियों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा वन पे जारी रखते हुए अब हम शीतोष्ण पर्णपाती वन पे चर्चा करेंगे। शीतोष्ण पर्णपाती वन अर्थात टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट। बच्चों, ये वन हमें उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर मिलते हैं और यह उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। बच्चों, इन क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान 3 डिग्री से लेके 8 डिग्री और वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर तक होती है। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा वन पे जारी रखते हुए हम शीतोष्ण पर्णपाती वन पे और गहरी चर्चा करेंगे। बच्चों, अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष जो हैं वो प्रमुख हैं, तो बच्चों ओक, ऐश, चेस्टनट, वच, वाल्टन और चेरू जहाँ पे प्रमुख वृक्षों में आते हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, तो बच्चों यहाँ पे अमेरिकन काला भालू, डार्क बिल और यूरोपियन लाल गिलहरी पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वनों पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम भूमध्य सागरीय वन अर्थात मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, समस्त सागर के तटीय भागों में उगने वाले वनों को ही हम भूमध्य सागरीय वन कहते हैं और यहाँ जो है वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु जो है आमतौर पे शुष्क रहती है। यहाँ पे वर्षा कम होने के कारण शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। बच्चों, ये वन यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा वनों पे जारी रखते हुए अब हम भूमध्य सागरीय वन पे कुछ और चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करें कि यहाँ पे पाए जाने वाले वृक्ष कौन-कौन से हैं, तो ओक और पाइन भूमध्य सागरीय वन वाले इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं। बच्चों, जब हम बात करें कि यहाँ पे कौन-कौन से फल वाले वृक्ष मिलते हैं, तो नींबू, संतरा, अनार और अनानास यहाँ पे प्रमुख फलदार वृक्ष हैं। और अगर हम बात करें कि इन प्रदेशों में कौन से प्रमुख जानवर पाए जाते हैं, तो बच्चों इन प्रदेशों में आपके जंगली बकरी, भेड़, घोड़ा तथा बंदर पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा वनों पे जारी रखते हुए अब हम शंकुधारी वन अर्थात कॉनिफेरस फॉरेस्ट पे चर्चा करेंगे। बच्चों, शंकुधारी वनों का विस्तार जो है उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के ऊपरी भागों में पाया जाता है। इनमें कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बाल्टिक गणराज्य तथा रूस के भाग सम्मिलित हैं। बच्चों, साइबेरिया में इन वनों को टैंगा भी कहा जाता है और इस प्रकार के वन हिमालय तथा आल्पस पर्वतों पे भी पाए जाते हैं। बच्चों, इन वनों में मुख्य रूप से लंबे तथा नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं जिनका उपयोग अखबारी कागज के लिए
लुगदी, माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा वन पे जारी रखते हुए हम शंकुधारी वनों पे डिटेल चर्चा बताते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष में चीड़ एवं देवदार दोनों ही फेमस हैं। बच्चों, अगर हम बात करें कि यहाँ पर पशुओं को क्या क्या मिलता है, तो पशुओं में रजत लोमड़ी, मिक और ध्रुवीय भालू मिलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे घास स्थल पे। बच्चों, घास स्थल वही पाए जाते हैं जहां बहुत कम वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होती है, वन घास स्थल में वैसे वैसे बदलते जाता है। बच्चों, विश्व के घास स्थल को उष्णकटिबंधीय घास स्थल तथा शीतोष्ण घास स्थल, इन दोनों प्रकार में बांटा गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा घास स्थल पे जारी रखते हुए सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय घास स्थल अर्थात ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पे चर्चा करते हैं। बच्चों, ये घास स्थल अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों तरफ ब्राजील के पठारी भागों, भारत के दक्कन के पठार एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। घास निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में इन स्थानों में पैदा होती है, जिनकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर के भीतर होती है। बच्चों, जहां पे हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन और तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा घास स्थल पे जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे शीतोष्ण घास स्थल अर्थात टेम्परेट ग्रासलैंड पे। बच्चों, यह जो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। जहाँ की जो घास है वो आमतौर से छोटी एवं पौष्टिक होती है। बच्चों, शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप जैसे जानवर पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे कटीली झाड़ियों पे। तो बच्चों, ये जो कटीली झाड़ियां हैं शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। बहुत ज्यादा गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ जो है वनस्पतियों की कमी रहती है। और अगर हम बात करें ध्रुवीय प्रदेश की, तो वहां पे अत्यधिक ठंड के कारण केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। इसे ही हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये वनस्पतियां यूरेशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा कटीली झाड़ियों पे जारी रखते हैं। बच्चों, जहाँ के जानवरों के शरीर पे मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, ताकि उन्हें अत्यधिक ठंड से उनका बचाव हो सके। बच्चों, यहाँ पे पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू और लोमड़ी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने वनों के प्रकार पे अपनी चर्चा को जारी रखी थी। इसके अलावा हम घास स्थल तथा कटीली झाड़ियों पे भी चर्चा किए और इन सब का रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। बच्चों,
अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।